हाँ बाप आप बताइए बाप क्यों बनाते हैं। हम प्रभु जी पूछना है, हम भी लोग जानना चाहते हैं मालिक का कैसे मतलब। हाँ तो क्या जानना चाहते हो पूछिए। नाम का प्रभाव विशेषता का बा मरला पर तो सभी कहला राम नाम सत है जाने अगर जीते कौन नाम बा कैसे हमके ये कुल चाहेगा कि तो वो रोगी होगा तो लेकर आप कोई करें परेशान होगा कि सर छोड़ दे भजन भाव करे तो अच्छा। हाँ बात सही है, जो भजन नहीं करते हैं वही तो ये सब करते हैं। वही तो हम चाहिए महाराज जी की। हाँ हम चाहिए कि हम परिवार हमारा कैसन बा जो भजनानंदी हैं। हाँ जी, उनको ये सब समस्या नहीं सताती है। हाँ। ये सब उन्हीं लोगों को सताती है जो बहुत भौतिकवादी है। हाँ, जो खाली खाली रुपया पैसा के लिए हाय 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 करते रहते हैं ना। हाँ। वही लोग इस तरह से फेर में पड़ते हैं। हाँ, हाँ। वही लोग ये सब झेलते हैं जी, खुद भी कष्ट झेलते हैं दूसरे को भी कष्ट देते हैं। हाँ जी, हमको उन्हीं से कष्ट है जी, और कौन उनके कष्ट ना तो जल्दी हम कौन बीमारी बीमारी कौन हमको कुछ हम ना है हम ये चाहिए ना कि हाँ मालिक का भजन भाव होत रहे। देखिए पहले आप समझिए कि नाम क्या है जी, क्योंकि आप नाम नाम की खोज कर रहे हैं जी, तो बहुत जगह हो सकता है चर्चा भी किए होंगे सुने होंगे जी, लेकिन शायद अब किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि ये नाम उत्पन्न कहाँ से हुआ। हाँ, नाम क्या है। हाँ, नाम सामान्यतः रूप से हम लोग एक संज्ञा समझते हैं जी, कि जैसे किसी को कोई चीज़ से पुकारा जाता है। हाँ, हाँ, तो कहते हैं कि यह नाम है। हाँ, 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 जी, जी। पुकारने का हाँ, जी। तो उस तरह से पुकारते हैं तो वो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है जी। उस व्यक्ति को शुरू से, हालांकि कोई भी व्यक्ति नाम लेकर पैदा तो होता नहीं है जी, नाम हम लोग उसको दे देते हैं। नाम दे देते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाती है बात, तो वो जान जाता है कि मुझे बुलाने का यह एक शब्द है, संकेत है। हाँ, एक संकेत है। हाँ, तो फिर वो जो है उस आधार पर वो प्रतिक्रिया देना शुरू करता है। हाँ, 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 जी। तो उसको हम लोग ऐसे को नाम कह देते हैं। लेकिन अगर कोई उसका कोई नाम नहीं दिया होता तो भी तो वो किसी न किसी चीज़ से संकेत से वो प्रतिक्रिया करता। हाँ, जी, जी। जैसे किसी को ए कहते ए, तो वो हो सकता है कि उससे ही करता उस समय। हाँ, वो समझ जाता है कि मेरा इसका मतलब ए से ही मुझे ऐसे संबोधित करना है। जैसे कोई जानवर है पशु है उसको हम लोग इस तरह से भी बुलाते हैं। हाँ, हाँ, जी, जी। तो अब कहने का मतलब है कि किसी भी कोई भी जो अस्तित्व है उसका जो शब्द है उसके साथ कुछ न कुछ उसका जुड़ाव है। पूरा ये जो अस्तित्व है उसका शब्द के साथ जुड़ाव है। कोई भी शब्द दिया जाता है, कोई भी प्राणी है वह। अब जो भौतिक पदार्थ हैं ये भी जो हैं किसी न किसी शब्द से जुड़े हुए हैं। कोई भौतिक पदार्थ वो उससे प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, किसी न किसी शब्द से अलग अलग ध्वनि से वो प्रतिक्रिया करते हैं। शब्द क्या है, ध्वनि तो है, ध्वनि की भिन्न भिन्न आवृत्ति है, इससे कोई भी पदार्थ प्रतिक्रिया करता है। तो अलग अलग पदार्थ अलग अलग ध्वनि से अलग अलग प्रतिक्रिया करता है। ऐसा नहीं है कि जगह हमें कोई सिर्फ हमें नाम से बुलाता है तभी हम सुनते हैं, ऐसा थोड़ी है। हमें कोई और चीज़ से बुलाता है हाँ तो भी हम सुनते हैं, सिर्फ नाम से नहीं सुनते हैं। हमारे नाम से बुलाया जाएगा तभी हम नहीं सुनेंगे। हम जिस जिस चीज़ से अपने को जुड़े हुए हैं उनमें से किसी चीज़ से बुलाएगा तब सुन लेंगे, हम सुन लेंगे, समझ गए। ताक देंगे, हाँ जरूर ताक देंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले गए, हम पूछा थे यहाँ से चले गए इंग्लैंड चले गए, वहाँ आपको इंडियन कहेगा तो आप तुरंत सुन लेंगे, समझ जाएंगे कि ये जो है मुझे बताया जा रहा है। हाँ, तो आपने अपने को वहाँ अपने नाम से नहीं बल्कि आपकी जो पहचान है वहाँ पर अपने देश के कारण है। उसी तरह से आप किसी जाति विशेष के हैं तो अगर आपको वहाँ किसी जाति विशेष से अगर बुलाया जाएगा तो आप यादव जी, हाँ अगर आप यादव कहे यादव जी तो आप प्रतिक्रिया कर देंगे। हालांकि यादव तो बहुत सारे हैं लेकिन आप प्रतिक्रिया करें, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर मैं ही यादव हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप अपने को जिस जिस पहचान से जुड़े हुए हैं उन उन पहचान से संबंधित जो ध्वनियाँ हैं उससे आप प्रतिक्रिया करते हैं। जितनी भी चीज़ें उसी तरह से पशु भी करते हैं, उसी तरह से सारे पदार्थ करते हैं। हर पदार्थ भी किसी न किसी चीज़ से अपने को जुड़ा हुआ है, किन्हीं न किन्हीं ध्वनियों से जुड़ा हुआ है और उन्हीं ध्वनियों से वो विशेष प्रतिक्रिया करता है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह के ध्वनि से सारे पदार्थ एक ही तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक की संरचना अलग होती है। तो अलग अलग संरचना के कारण उसकी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है।
तो हम लोग जिससे प्रतिक्रिया करते हैं और जिस चीज़ जिस ध्वनि को हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका मतलब है उस ध्वनि से संबंधित हमारे मस्तिष्क में, हमारे संरचना में कुछ ना कुछ लगाव है। इसीलिए कोई विशेष गाना हम लोग को कुछ विशेष पसंद आता है, एक्टिव करता है। किसी गाने को आप पसंद करते हैं ना, पूछा जाएगा क्यों पसंद करते हैं इस गाने को आप, तो आपके पास उत्तर, आपको उत्तर देने में कठिनाई हो जाएगी कि आप इसी क्यों पसंद करते हैं, इसको कम पसंद क्यों करते हैं इस गाने को। क्यों नहीं आप सिर्फ वही कहते हैं हाँ मुझे ये अच्छा लगता है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है? आखिर आपके आपके संरचना में आपकी जो कोशिकाएं हैं, आपके जो अंग हैं, आपका जो मन मस्तिष्क है, आपका जो DNA है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ आपका लय बदलता है जो कि उसी के साथ संबंध बनाता है। इसीलिए आपको कोई आदमी कुछ विशेष पसंद लग सकता है, उसी तरह से कोई ध्वनि भी आपको विशेष पसंद लग सकती है। तो जो ध्वनि आपको विशेष पसंद लगती है, जिस ध्वनि से आप क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, हाँ, वह एक तरह से आपके साथ जुड़ाव रखता है, आपके ऊपर प्रभाव डालता है। वही उसी तरह की ध्वनि, उसी तरह के जो शब्द होते हैं, वे आपके लिए मंत्र होते हैं। मंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा मंत्र है, प्रश्न यह उठता है। हाँ, तो वे ही आपके लिए मंत्र होते हैं जो आप जो आपके साथ जो पसंद करते हैं, पसंद ना भी करते हो चाहे ना पसंद भी करते हो, लेकिन आपकी क्रिया प्रतिक्रिया होती होगी, आपसे आपका प्रभाव उससे होगा, तो वह आपके लिए मंत्र है। तो अब वह जो मंत्र है, यानी वह जो मंत्र आ गया एक तरह से, अब वह नाम हो गया आपके लिए, आपके लिए नाम हुआ वह, तो आप उसके माध्यम से अब आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वह जो मंत्र है आपका एक शब्द हो गया आपके लिए, वह एक नाम हो गया। उसे आप चाहें तो बाहर की दुनिया में जा सकते हैं, चाहे तो भीतर की दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास वह साधन है शब्द का। शब्द हमको बाहर भी ले जा सकता है, भीतर भी ले जा सकता है। जब हम उसका उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो वो बाहर की ओर ले जाएगा, और जब हम उसका उच्चारण नहीं करेंगे, उसको खाली अपने मन में ही रखेंगे, तो वो हमें भीतर की ओर ले जाएगा। इतना याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि जब आदमी चुप होता है तो वो अपने भीतर जाता है जी। और समाज भी परेशान हो जाता है कि अरे क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, समाज सब बोलता है। लेकिन यदि आप चुप हो गए तो समाज तो परेशान हो जाएगा, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, आप अपने भीतर रहेंगे, शांत रहेंगे। हाँ, आप शांत रहेंगे। वो शब्द, वो ध्वनि अब भीतर आपकी जा रही है। वह ध्वनि जिसको कि आप पसंद करते थे, जिसको आप नापसंद भी करते थे चाहे, यानी जो आप पे प्रभाव डालता था, अब आपको उसकी संरचना देखनी है। वह जो मंत्र है, जो भी मंत्र जो आपको अच्छा लग गया, वो चाहे कुछ भी अच्छा लग सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। जो आपको खुद पता चलेगा कि मैं किससे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, आपकी वो जो भी बना हुआ है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मान लीजिए राम का नाम ले लिया एक उदाहरण के लिए, तो उसमें र की मात्रा है, आकार की मात्रा है, म की मात्रा है, ध्वनि के हिसाब से राम कहते हैं। तो अब जब अब आप अपने मन में उसको बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, या नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, कहीं से कोई बोल रहा है और वो ध्वनि आ रही है भीतर, तो अब आपको उसकी फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कैसे है, र बंद कैसे रहा है। आपको अपने भीतर में शोध करना है कि र बंद कैसे रहा है, क्योंकि अभी वह शब्द है और ऐसा शब्द है जो कि आपको प्रभावित कर रहा है, लेकिन अब आपको यह देखना है कि वह कैसी ध्वनि है जो कि मेरे अलावा भी किसी को प्रभावित करती हो। राम आप भी सुने, ये भी सुने, हम भी सुने, आपके अलावा भी किसी को प्रभावित करते हो, किसी मतलब धातु को प्रभावित करती हो, समझ रहे हैं? तो वो जब जिस चीज़ को प्रभावित करेगी, तो उसके हिसाब से उसकी एक एक संरचना को देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग जो कोई स्थूल है तो वो स्थूल को प्रभावित करेगी, उसका जो सूक्ष्म स्वरूप होता है वो सूक्ष्म को प्रभावित करता है। हाँ, क्योंकि देखिए एक जो भाषा है, तो भाषा तो बनी है तो उसमें वाक्य होते हैं, फिर वे जो वाक्य होते हैं वे शब्द से बने होते हैं, शब्द जो होते हैं वे वर्ण से बने होते हैं, वर्ण से। अगर हम बोलते हैं कबूतर, तो आप कबूतर से आप समझ जाते हैं संकेत किधर है, लेकिन अगर खाली में क बोलूँगा तो आप सिर्फ समझेंगे कि क एक वर्णमाला है, यही ना आप समझेंगे, या क एक ध्वनि है, जो पढ़ा होगा तो सोचेगा एक वर्णमाला है,
जो नहीं पढ़ा होगा, जो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल ठोस अनपढ़ है, तो वो क बोलूँगा तो वो सिर्फ जाने एक ध्वनि है। तो जब आप र बोलते हैं तो र सिर्फ एक ध्वनि है, जब अ बोलते हैं तो अ भी एक ध्वनि है, जब म बोलते हैं तो म भी एक ध्वनि है, जब इन तीनों को मिलाते हैं तब तो राम बनता है। तो जो र जो ध्वनि है, हाँ, तो जब आप उच्चारण करते हैं र, हाँ, तो आपको उच्चारण करना है र, तो आप देखना कि ये ध्वनि बन कहाँ रही है, कैसे बन रही है, इसके बनने में हमारे कितनी शक्ति हमें लगानी पड़ रही है। जी जी, हाँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो अलग शक्ति लगेगी ना, और जब मैं फुसफुसाऊँगा तो अलग शक्ति लगेगी, जब मैं चुप होकर के उसका उच्चारण करूँगा मन ही मन तो अलग शक्ति लगेगी, और जब मैं चुपचाप उसे सुनूंगा खाली तो अलग शक्ति लगेगी। हाँ, तो अब हमको जो है उच्चारण करना है, भिन्न भिन्न प्रकार से उच्चारण करना है, क्योंकि उसका आपको पूरा विज्ञान जानना है। तो र बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, बुदबुदा के बोलेंगे, फुसफुसा के बोलेंगे, मन ही मन बोलेंगे, और मन ही में भी हम अलग शक्ति लगा, मन ही में फोर्स से भी हम उच्चारण कर सकते हैं मन ही में, और मन ही में हम बिना ताकत लगाए सोचेंगे, कम से कम शक्ति में देखता हूँ कि कितना में ये उच्चारण हो जाता है, कम से कम शक्ति में। तो जब कम से कम शक्ति में उच्चारण करेंगे तो वो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, उसकी हरकत इतनी धीमी हो जाएगी कि आपको बहुत ही अलर्ट होना पड़ेगा उसको पहचानने के लिए। जैसे जैसे बहुत धीमी ध्वनि आ रही है तो कितना हम लोग गौर से सुनते हैं तब समझ पाते हैं। तो जितना हम गौर से उसको उच्चारण करेंगे, सुनेंगे, धीरे धीरे उच्चारण कर रहे हैं धीमे धीमे और उसी तरह सुन रहे हैं, इसका मतलब है उतनी ही हमारी जो संवेदनशीलता है उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो हम उस ध्वनि का पता लगा लेंगे कि इस ध्वनि के उच्चारण में कौन कौन सी मांसपेशियों की जरूरत पड़ती है, हमारे दिमाग के किस किस तंतु की जरूरत पड़ रही है, कितनी हमें ताकत लग रही है, और ये कहाँ से उत्पन्न हो रही है, किस क्षेत्र से, अपने कहीं ना कहीं से जब आ रहे तो कहीं ना कहीं कुछ इसका स्थान होगा ना जहाँ से वो आ रही है, जहाँ से आ रही है। तो हमको उस स्थान का भी पता लगाना है कि वो स्थान कहाँ है, एक। दूसरा, हमें शक्ति का पता लगाना है कितनी शक्ति लगती है। तीसरा, हमें समय का पता लगाना है कि कितना समय लगता है, और समय को अगर हम छोटा करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, शक्ति को हम कम करते हैं उसका प्रभाव क्या होगा, और स्थान को कम करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। कोई स्थान है, इतने बड़े स्थान से उत्पन्न हो रहा है, अगर हम उस स्थान को घटाते चले जाएं तो कैसे प्रभाव होगा। एक बांसुरी है, बहुत बड़ा बड़ा छेद कर देंगे तो हो सकता है ध्वनि नहीं आए उतनी, या अलग ढंग की ध्वनि आए, छेद छोटा करते जाएंगे तो ध्वनि अलग ढंग की आएगी। हम लोग अगर मुंह अपना बड़ा कर देंगे तो ध्वनि अलग आएगी, जब मुंह छोटा कर देंगे तो अलग ध्वनि आएगी। यानी इसके इसका जो ढांचा है, इसके ढांचे से ध्वनि बदल जाती है, ध्वनि का स्वरूप बदल जाता है, उसका प्रभाव बदल जाता है, सब कुछ बदल जाएगा। चिल्लाना होगा तो जोर से बोलना, मुंह फाड़ना पड़ेगा ना, तभी चिल्ला पाएंगे। अगर कहेंगे तुम मुंह छोटा रखो, चिल्ला दो जरा, क्या चिल्ला पाएंगे? नहीं चिल्ला पाएंगे, अलग ढंग की ध्वनि निकलेगी वो, समझ रहे हैं? तो जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो हम देखेंगे कि हम उसका स्थान को कितना घटाएंगे तो कैसी ध्वनि आती है, और स्थान को घटाते 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 इतना छोटा कर दें कि उसको खोजना भी मुश्किल हो जाए। हाँ, इतना छोटा कर दें, छोटा से छोटा, जैसे मान लीजिए इधर से बहुत प्रकाश आ रहा हो और हम यहाँ पर एक सामने में एक लगा दिए हैं और इसमें एक बहुत छोटा सा छेद किए हैं, तो प्रकाश सिर्फ उसी में आएगा, इधर से प्रकाश नहीं आएगा। हाँ जी, उसी से एक प्रकाश की एक तरंग, और जितना छोटा करेंगे प्रकाश की तरंग उतनी छोटी आएगी। अब हम उस प्रकाश के एक बिंदु, एक जो किरण आ रही है उस पर शोध कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं? अब पूरे प्रकाश आएगा तो उसमें अलग ढंग का शोध, सिर्फ एक किरण आएगी तो उस पर अलग ढंग का शोध करेंगे, हमारे पास पूरा वो होगा। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम अपने उसको स्थान का जब पता लगा लेते हैं तो छोटा करते जाएंगे स्थान को, उसी तरह से हम शक्ति को भी कम करते जाएंगे, न्यूनतम शक्ति लगनी चाहिए। हम लोग का जो शरीर है वो हर समय ये कोशिश करता है कि न्यूनतम शक्ति लगे, क्योंकि शक्ति को बचा के रखना चाहता है, और अधिकतम शक्ति लगेगी जब उस तरह का बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा ज़्यादा तब लगेगी, लेकिन शक्ति ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शरीर, शरीर तुरंत सोचेगा कि वापस से अपने पोजिशन पर आएँ, क्योंकि ज़्यादा शक्ति निकल जाएगी तो फिर आदमी मर जाएगा। तो शक्ति कम से कम खर्च हो, तो जितना कम ताकत लगा के आप उच्चारण कर सकते हैं इसका मतलब है कि उतना सूक्ष्म हो जाएगा वो, आप बात समझिए। हाँ जी जी, तो जो जो नाम का जो उच्चारण होगा यानी जप जो होगा वो कम से कम शक्ति में होगा, कम से कम शक्ति और कम से कम स्थान और कम से कम समय,
समझ रहे हैं। हाँ हाँ जी जी। समय कम लगना चाहिए, समय जितना कम लगेगा कोई घटना जो है उतने ही मतलब सूक्ष्म घटना होती है। अगर हम उच्चारण न करते हो जैसे शब्द का किसी शब्द का उच्चारण न करते हो, वह शब्द हो रहा है, ध्वनि आ रही है, आ रही है, हाँ वो आप सुन रहे हैं ना। हाँ जी, वो एक अलग विज्ञान होगा। हाँ जी, जो आप खाली सुन रहे होंगे जी। हाँ, हाँ कहीं से कोई मान लिया आपने लाउड स्पीकर ही लगा दिया, रिकॉर्डर लगा दिया, वही कुछ शब्द बोल रहा है और आप दिमाग में से सुन रहे हैं, तो उसका एक अलग विज्ञान होगा कि आखिर वो पता लगाना पड़ेगा कि किन किन चीजों को प्रभावित कर रहा है, कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहा है, वो जा कहाँ रहा है, लीन कहाँ हो रहा है। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए एक बार बज गया आप, एक बार आपने बजा दिया राम, ठीक है, और आपने बंद कर दिया, आखिर दिमाग में राम फिर हुआ, फिर उसके बाद गायब कहाँ हो गया, वो कहाँ हो गया, इसका लगाना है आखिर वो गया कहाँ, कान में सुनाई तो पड़ा, सुनाई पड़ करके वो कहाँ गया। अगर अंधेरा है, हमने टॉर्च जला दिया, रोशनी निकली, तो फिर रोशनी जब हमने बुझा दिया टॉर्च गई, तो रोशनी गई कहाँ, आखिर वो जाकर कहीं इंद होगा उसका, वो कहाँ गई इसका पता लगाना है। जो ऋषि होते हैं वो यही हम समझ रहे हैं, आपको यह पता लगाना है कि रोशनी गई कहाँ, जी कहाँ तक जाती है ये। हाँ, हाँ, अगर टॉर्च आप जलाए भी रखेंगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी भी कहीं जाकर छीन होती जाती है, और आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो नहीं दिखती है। हाँ, वो दूर तक नहीं जा पाती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फिर यह लीन हो रही है, कहीं ना कहीं विलीन हो रही है वो। तो कहाँ विलीन हो रही है, उसके विलीन होने की प्रक्रिया क्या है, हाँ उसमें उसका क्या रूप रंग बदलता है, उसी तरह से ये ध्वनि जाती है तो वो कहाँ जाती है, वो कहाँ लीन हो जाती है, यह पता लगाना। हाँ, तो यह जब पता आपका लग जाएगा, और यह पता कब लगता है, जब आप उसको कम से कम समय में उच्चारण करते हैं। हाँ, धीमे धीमे उच्चारण करते हैं, जब उसको धीमे धीमे उच्चारण करते हैं, कम से कम समय लगाते हैं, और छोटे से छोटे स्पेस में करते हैं, यानी स्थान बहुत छोटा रहता है, तब आप जो है अब आप उस नाम की प्रक्रिया में आए हैं, यानी आप उस ध्वनि को, उस शब्द को पकड़ पा रहे हैं, और उसकी उत्पत्ति जान पा रहे हैं, उद्गम उसका कहाँ है, और उसका उद्गम जब जानेंगे तो धीरे धीरे, और फिर जिसका जानेंगे फिर उसका उद्गम जानेंगे, क्योंकि जो भी र है, ल है, क है, जो बोलते हैं, तो पता चलेगा कि अंत में सब अ ही है, ऐसा लगेगा, बोलेंगे जब लगेगा कि अ ही है। हाँ, जितना करते जाएंगे उतना ये जो इसकी जो भिन्नता आई थी, ट ड क प च ट, तो ये धीरे धीरे अंत में आएगा कि ये अ है, आपको अंत में लगने लगेगा कि ये सब अ ही है, जितना सूक्ष्म करते जाएंगे, और जब और शक्ति आप कम लगाते जाएंगे, और शक्ति जब आओ तक आप पहुंच गए तो आपकी और शक्ति कम लगेगी, आप उस पर और शोध करेंगे, फिर और कम लगेगी, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि अब कोई ध्वनि आ ही नहीं रही है। हाँ, अब ध्वनि जो है बंद हो गई है। हाँ, क्योंकि ध्वनि के उच्चार, ध्वनि के कैसे उच्चारित होती है, जब कोई चीज़ टकराती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है, बिना टकराए ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, टकराने के लिए बल चाहिए। हाँ, जब बल कम से कम होता गया, टक्कर भी कम से कम होती जाएगी, और कम हो जाएगी, समय भी कम हो रहा है, टक्कर मारने में समय भी चाहिए। अगर समय भी हम घटाते जा रहे हैं तो खाली स्पर्श करेगा, टक्कर नहीं मार पाएगा। देखिए, जब इसे इसे कर रहे हैं तो ये टक्कर मार रहा है, मार रहा है ना, लेकिन अगर हम इसको आकर के यहाँ खाली ऐसे टच करते तो टक्कर नहीं मार रहा है, क्या छुआ रहा है खाली, छुआ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम समय घटा देते हैं तो टक्कर नहीं मार पाएगा, वो सिर्फ छुआ स्पर्श करेगा, साउंड बंद हो जाएगा, तो वो साउंड की उत्पत्ति बंद हो जाएगी। हाँ जी, तो टक्कर बंद हो गया, खाली स्पर्श हो रहा है, फिर धीरे धीरे और समय कम होता चला जाएगा, स्थान भी घटता चला जाएगा, और ताकत भी घटती जाएगी, फिर एकदम साइलेंट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अशांति इसीलिए क्योंकि टक्कर बहुत है दुनिया में, शांति तभी है जब टक्कर नहीं है। हाँ, जहाँ टक्कर खत्म हो जाएगी तो वहीं शांति हो जाएगी। शांति का मतलब ही होता है कि अब टक्कर बंद हो गई, किसी प्रकार की कहीं कोई टक्कर नहीं, अब दिमाग पूरा शांत हो जाएगा, कोई गतिविधि नहीं। हाँ, तो तब आप ध्वनि से निध्वनि में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, तब जब ध्वनि कहीं नहीं है, एकदम साइलेंट, तो वह जो है
वह स्थिति में प्रवेश हो जाएगा, वह समाधि अवस्था होती है। समाधि शरीर छोड़ने निशब्द, हाँ निशब्द, वो शरीर छोड़ने के निध्वनि, निशब्द भी नहीं, निध्वनि, हाँ निध्वनि की स्थिति में जाएंगे तो वह जो है वह निर्विकल्प समाधि होती है, वहाँ एकदम पूरा एकदम साइलेंस है शरीर का। और उस स्थिति में जा कर के ही व्यक्ति का मोक्ष होता है, क्योंकि वह फिर वहाँ ईश्वरीय तत्व में जा करके वह फिर लीन। हाँ प्रभु जी हम तो यह नाम, नाम का जो स्वरूप है ये इस तरह से आप धाम के ऊपर चढ़ करके अनाम में प्रवेश कर सकते हैं। सीढ़ी है अनाम में, नाम से अनाम में आप जा सकते हैं। तो ईश्वर का कोई नाम नहीं है मूलतः, वो तो अनाम है, बिना नाम का है। हाँ उसका तो नाम उस वक्त आता है जब जिस वक्त की अ की उत्पत्ति होती है, फिर अ के बाद फिर उ की उत्पत्ति होगी, फिर म की उत्पत्ति होगी, तो औ की ध्वनि आएगी, उस वक्त उसका जो है नाम शुरू होता है। यानी ईश्वर का प्रथम जो नाम है वो अ है, अ के बाद उ है, उ के बाद म है, ओम जो है इसका पहला नाम है, लेकिन इसका पहला जो ध्वनि है उत्पत्ति का वो अ है। उस वहाँ पर आकर के ईश्वर प्रकट होना शुरू होते हैं, उसके पहले ईश्वर अप्रकट है, अव्यक्त है। उसके पहले व्यक्त की स्थिति जो होती है वो अ उ म में होती है, और अ उ म में भी होती है तो पहले ऐसा नहीं कि आवाज ध्वनि नहीं आती है, वह भी जो निशब्द होती है, यानी वो होता तो है लेकिन उसमें अभी ध्वनि नहीं होती है, खाली स्पर्श से वो हो रहा है। तो उस वक्त की स्थिति शुरुआत में होती है, तो वह जो स्थिति होती है जहाँ पर कि अप्रकट तो हो रहा है लेकिन उसकी ध्वनि नहीं आ रही है, तो उस स्थिति को भी आप साधना में देख समझ सकते हैं। और ये पूरा जो अस्तित्व हुआ है, ये अस्तित्व भी इसी तरह से प्रकट हुआ है। इस अस्तित्व में ध्वनि पहले थोड़ी ना थी, पहले ये निध्वनि ही थी, और इसी तरह से अ की स्थिति आई, उ की स्थिति आई, म की स्थिति आई, ये अव्यक्त सा, अव्यक्त से यह व्यक्त होना शुरू हुआ। तो इसको महतत्व कहते हैं योग की भाषा में, महतत्व। हाँ तो वहाँ से महतत्व शुरू हुआ, तो उसके बाद से जो है फिर जब ओम ध्वनि आ गई तब फिर उस ध्वनि से फिर अन्य जितने भी प्रकार के ऊर्जाएं हैं, जितनी प्रकार की ऊर्जा वो सब सब बन गई, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे प्रकाश ऊर्जा हो, हाँ चाहे, लेकिन जो ध्वनि है वही प्रथम ऊर्जा है ध्वनि। हाँ वहाँ से ही सबका प्रभाव, फिर वो जो ऊर्जा होगी फिर उससे हाँ। तो प्रैक्टिकल का तरीका मैंने बताया ना आपको, कैसे आपको अपने एकदम अब जितना आप जितना सांस को धीमा करते चले जाएंगे, सांस को जितना धीमा करेंगे, शक्ति को जितना कम लगाएंगे उच्चारण करने में, हाँ सुनने में जितना कम लगाएंगे, और जितना फोकस रहेंगे आप, फोकस का मतलब हो गया स्थान को जितना घटा रहे हैं आप, और जितने कम समय में करेंगे, अब आपका लक्ष्य यही है कि कम समय में कम स्थान हाँ में जी, जी। और कम ताकत में हाँ हाँ जी, जी। बस आपका आपकी साधना यही है हाँ हाँ जी। इस साधना को हाँ और इस साधना को अगर आप कर लिए हाँ तो आप यहाँ से आराम से उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बस अच्छा अच्छा प्रभु जी, बस आखिरी कल्याण हो जाए। अच्छा प्रभु जी, बस जो हम चाहते हैं आप।